नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल दुनिया भर की पर। आज का वीडियो उनके लिए है जिनको पुरानी पेंशन नहीं मिलती है। 1 जनवरी 2005 के बाद नियुक्त ऐसे कर्मचारी जिनको पुरानी पेंशन नहीं मिलती है और एनपीएस के अंतर्गत उन्हें पेंशन देने का प्रावधान सरकार द्वारा किया गया है, ऐसे कर्मचारियों के लिए बहुत ही अच्छी खबर मिल रही है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एक आदेश जारी कर दिया गया है जिसमें 3 साल की सेवा पूरी करने के बाद वह अपने एनपीएस के अकाउंट से 25% राशि निकाल सकेंगे। जी हां, बहुत अच्छी खबर है दोस्तों। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आपको सबसे पहले और सबसे सटीक जानकारी देने का प्रयास किया जाता है, तो अभी प्रेस कीजिए सब्सक्राइब बटन और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए जिससे कि हमारा अगला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद आपका साथ, आपका सपोर्ट, आपका विश्वास के लिए बहुत बहुत आभार। कल आपके इस चैनल ने 10,000 से अधिक सब्सक्राइबर पूरे कर लिए हैं और 10 लाख से अधिक व्यूज कल इस चैनल ने पूरे कर लिए हैं। इसके लिए एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। राज्य सरकार की सेवा में 1 जनवरी 2005 के बाद आए कर्मचारी 3 साल की नौकरी होने पर नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस में जमा हुई राशि का 25% निकाल सकेंगे। इस दायरे में शासकीय सेवक, अध्यापक संवर्ग में शामिल शिक्षक, पंचायत सचिव एवं अन्य कर्मचारी आएंगे। सरकार द्वारा दी गई इस सुविधा का लाभ प्रदेश के करीब 5 लाख कर्मचारियों को मिलेगा। 13 साल से इन कर्मचारियों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा था। इस बारे में बुधवार को वित्त विभाग के प्रमुख सचिव पंकज अग्रवाल ने आदेश जारी कर दिए हैं। बच्चों की शादी, मकान बनवाने और बीमारी का इलाज कराने के लिए इस राशि को निकाल सकते हैं। एनपीएस के अंतर्गत कर्मचारी के वेतन से हर महीने 10% राशि काटी जाती है और इतना ही अंश राज्य सरकार का होता है। इस राशि का सरकार इन्वेस्टमेंट कर कर्मचारियों को लाभ देती है। प्रदेश में लगभग एनपीएस के दायरे में डायरेक्टर पेंशन के अंतर्गत 1,75,000 लोक शिक्षण के 1,73,000 और आदिम जाति कल्याण के 48,000 कर्मचारी समेत अन्य विभागों के कर्मचारी भी हैं। ये सभी कर्मचारी बच्चों की शादी, मकान बनाने और गंभीर बीमारी होने की स्थिति में उचित कारण बताने पर जमा हुई राशि में से 25% राशि का आहरण कर सकेंगे। तो दोस्तों, ऐसे कर्मचारी जिनको पुरानी पेंशन नहीं मिलती है और जिनका पंजीयन, जिनका रजिस्ट्रेशन एनपीएस के अंतर्गत न्यू पेंशन स्कीम के अंतर्गत किया गया है और जिनकी सैलरी में से 10% राशि काटी जाती है और 10% राशि सरकार द्वारा मिलाकर उनके एनपीएस अकाउंट में जमा की जाती है, उस राशि में से वह 25% राशि अपने आवश्यक कार्यों के लिए निकाल सकते हैं। तो यह सरकार का बहुत ही अच्छा कदम है और यह स्वागत योग्य कदम है। इसका फायदा लगभग 5 लाख कर्मचारियों को मध्य प्रदेश में मिलने वाला है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे हमेशा के लिए जुड़ जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।